हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंजर गार्लिक। तो मैं ले आई हूँ आज चिकन की एक नई एकदम ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी, जिसे ना एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आप अगर एक बार ट्राई करोगे तो बार बार बना के खाओगे। तो यार, मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम चिकन विद बोन, और इसे मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर से अच्छे से यार मसल के मिक्स करके रख दिया है हाफ एन आवर के लिए। देन मैंने लिया है 5 टेबल स्पून ऑयल, उसमें डाला है ब्लैक पेपर, जिंजर, क्यूमिन सीड्स, गार्लिक, टमेटो, और सारा कुछ डाल के ना मैं एकदम लो फ्लेम में 5 to 7 मिनट के लिए ना इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर दिया है। आप जितना लो फ्लेम रखोगे उतना ही अच्छा होता है। देन मैंने बीच में से ऐसा होल बनाया, देन उसमें डाला मैंने ड्राइड रेड चिली और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। आप ना कोई भी ऑयल, घी, बटर या जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। हर चीज़ में इसका टेस्ट अलग अलग आएगा। तो यार, सभी चीज़ों को मैंने अगेन 2 to 3 मिनट के लिए फ्राई कर दिया है। देन ठंडा करके मिक्सर में डाल कि इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। देन मैंने अलग से पैन में लिया है ऑयल और घी, दोनों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाला है। मैंने ऑयल लिया है 2 to 3 टेबल स्पून और घी भी सेम लिया है। देन मैंने लिया है क्लोव्स, सिनेमन स्टिक, हल्दी, नमक, बे लीफ, और आपका जो मैंने चिकन बना के रखा था ना, मतलब विनेगर से मिक्स करके उसे डाल दिया है, और मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से मिक्स करके 10 to 15 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम में धीरे 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 चलाते हुए पकाया है। देन हमने जो मिक्सर बनाया था ना, तो उसे मैंने अच्छे से डाल दिया है और सारी चीज़ों को कर लिया है मिक्स। यार, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी टेस्टी रेसिपी का मज़ा कैसे उठाओगे। तो यार, चिकन को मैंने मिक्सर डाल के अच्छे से 10 to 15 मिनट पकाया है लो फ्लेम में। देन मैंने उसे मिक्सर में यार थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छे से लगा दिया है, उसमें 1-2 उबाल लाने दिया है। देन मैंने डाला है 1 टेबल स्पून चिकन मसाला और गरम मसाला। देन मैंने उसे अगेन लो फ्लेम में 2 to 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाया है। देन मैंने यार अनियंस को लंबे लंबे करके काट लिया है। आप जैसे भी काटो, आपकी मर्जी, बट जस्ट थोड़ा क्रंचीनेस, थोड़ा यार अगर खाने के वक्त आए मुंह में तो अच्छा लगेगा, वैसा करके काटना, ज़्यादा चॉप नहीं करना। देन मैंने अनियंस को ऊपर से डाला और लो हीट में इसे ढक के 5 to 7 मिनट के लिए पका दिया, और बस ये रेडी हो गया।